हर सुबह को अपनी सांसों में रखो, हर शाम को अपनी बाहों में रखो, हर जीत आपकी मुट्ठी में होगी, बस मंजिल को अपनी निगाहों में रखो। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों आज है 9 अगस्त और जितने भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ गया हूँ। साथ ही क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा, लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछो उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और आज के वीडियो की PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों मैं अनअकैडमी पर भी पढ़ाता हूँ, तो आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उसमें ऑनलाइन स्टडी पॉइंट सर्च करके आप हमें फॉलो कर सकते हैं। मैं अपने अनअकैडमी प्रोफाइल की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया हूँ, तो उस लिंक में भी क्लिक करके आप हमें फॉलो कर सकते हैं और मेरे द्वारा बनाई गई वीडियोज़ को बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं। दोस्तों जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको डेली मॉर्निंग में इसी टाइम पर करंट अफेयर्स की वीडियोज़ मिलती रहे। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में जर्मन स्ट्राइकर मारियो गोमेज ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है, वह किस देश से खेलते थे? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, जर्मनी से। ठीक है, जर्मनी से खेलते थे। देखिए दोस्तों अनुभवी जो जर्मनी स्ट्राइकर हैं मारियो गोमेज ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा कर दी है। आपको बता दें दोस्तों 2007 में जर्मनी के लिए अपनी शुरुआत करने वाले 33 वर्षीय ने 78 अंतर्राष्ट्रीय उपस्थितियों में से 31 गोल किए हैं। कितने गोल किए हैं? 31 गोल किए हैं। और आपको बता दें कि पूर्व ब्रेयन म्यूरिख स्टार ने 2010 और 2018 में फीफा विश्व कप में, 2008 और 2012 में यूरो कप में अपने देश का प्रतिनिधित्व किया था। कब कब किया था? 2010 और 2018 में फीफा विश्व कप में और 2008 और 2012 में यूरो कप का जो है तो अपने देश का प्रतिनिधित्व किया था। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे बात फुटबॉल की हो रही है तो फुटबॉल से रिलेटेड आपको अभी रिसेंटली जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ इससे रिलेटेड आपको सारे फैक्ट और करंट अफेयर्स क्वेश्चन बता देता हूँ जो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे आपके, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपको सारे फैक्ट बता रहा हूँ। सबसे पहले फीफा का फुल फॉर्म क्या है? फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन। फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म है। फीफा की स्थापना कब हुई थी? फीफा की स्थापना हुई थी 21 मई 1904 को। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वर्तमान अध्यक्ष गियानी इन्फेंटिनो। कौन है? गियानी इन्फेंटिनो। प्रथम फीफा वर्ल्ड कप कब हुआ था? 1930 में हुआ था, उरुग्वे, आयोजन हुआ था उरुग्वे में और विजेता थी ब्राज़ील। ठीक है, और अगला वर्ल्ड कप कहाँ पे होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला वर्ल्ड कप फीफा वर्ल्ड कप होगा वो 2022 में कतर में होगा। कहाँ पे? 2022 में कतर में। दोस्तों फीफा वर्ल्ड कप 21वां जो फीफा विश्व कप है उसके बारे में आपको बता देता हूँ। इसका आयोजन हुआ था 14 जून से 15 जुलाई 2018 तक। कब से कब तक? 14 जून से 15 जुलाई 2018 तक। मास्को रूस में संपन्न हुआ था। कहाँ पे? रूस की राजधानी मास्को में संपन्न हुआ था। इसका शुभंकर क्या था ये आपसे पूछा जाएगा आगामी एग्जाम्स में, रेलवे एग्जाम्स में और अन्य एग्जाम्स में। शुभंकर था दोस्तों इसका जाबी वाका जो कि चश्मा पहने हुए भेड़िया था। इसका अर्थ क्या है? जो स्कोर कर सके। ठीक है, जीबी वाका इसका चश्मा पहने हुए भेड़िया जिसका अर्थ है स्कोर कर सके। इसका गीत था दोस्तों इस बार का लिव इट अप। और दोस्तों आपको बता दें कि पहली बार वीडियो सहायक रेफरी प्रणाली का प्रयोग हुआ था। ठीक है, वीडियो सहायक रेफरी का प्रयोग हुआ था। और इस बॉल का नाम क्या था इस बार फुटबॉल में फीफा वर्ल्ड कप में? तो उस बॉल का नाम था दोस्तों टेल स्टार 18। इसके अलावा दोस्तों विजेता थी फ्रांस। दूसरा खिताब था इसका, इससे पहले 1998 में जीता था फ्रांस ने, ये दूसरी बार है। क्रोएशिया को हराकर 4-2 से हराया था और पहली बार फाइनल में पहुंची है क्रोएशिया। और रनर अप टीमें थी दोस्तों क्रोएशिया, फिर बेल्जियम सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे इंग्लैंड, सेकंड नंबर पे बेल्जियम और थर्ड नंबर पे इंग्लैंड। इसके अलावा दोस्तों टोटल 32 टीमों ने भाग लिया था। और आपको यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दें फीफा के बारे में कि आइसलैंड और पनामा पहली बार भाग लिया था। आइसलैंड और पनामा कंट्रीज़ ने पहली बार भाग लिया था। अब कुछ पुरस्कार सुन लीजिए, बिल्कुल इसको नोट भी कर लीजिएगा। कुछ पुरस्कार बता, गोल्डन बूट का अवार्ड मिला था दोस्तों, ये मिला था हैरी केन को जो कि इंग्लैंड के हैं, इनको इन्होंने 6 गोल किए थे। इसके अलावा गोल्डन बॉल का पुरस्कार मिला था दोस्तों लुका मैड्रिक को जो कि क्रोएशिया के प्लेयर हैं। बेस्ट प्लेयर का अवार्ड भी इन्हें मिला था। और मिला था गोल्डन ग्लव्स मिला था तिबोत कोर्टियस को जो कि बेल्जियम के हैं। और दोस्तों यंग प्लेयर अवार्ड मिला था केलियन एम्बापे को, फ्रांस के प्लेयर हैं। ठीक है, केलियन एम्बापे को। इसके अलावा फीफा प्लेयर ट्रॉफी किसको मिली थी? ये मिली है फीफा प्लेयर प्ले ट्रॉफी स्पेन को मिली है। तो हाल ही में जर्मन स्ट्राइकर मारियो गोमेज ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से अपनी सेवानिवृत्ति घोषणा की है, वह किस देश से खेलते थे? तो वह खेलते थे दोस्तों जर्मनी से, यानी ऑप्शन सी राइट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। दोस्तों इसी तरह मैं हर क्वेश्चन में एक्स्ट्रा फैक्ट शेयर करता हूँ, तो आप वीडियो को बहुत पूरा ध्यान से देखिएगा। दोस्तों आप लोग पता नहीं लाइक क्यों नहीं करते हैं, पता नहीं क्या आपको वीडियो पसंद नहीं आती है, मेरे वीडियो से आपको बिल्कुल भी हेल्प नहीं होती, निराश कर देते हैं आप लोग। यदि आपको जरा सा भी फ़ायदा होता हो
लगभग 1 लाख लोग देखते हैं, लेकिन यदि मेरे जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं कम से कम वही लाइक करें तो मुझे लगता है कि 20 से 25 हज़ार लाइक्स तो ऐसे ही आ जाएंगे। और कमेंट्स भी आप लोग नहीं करते, तो यदि मैं एक्टिव रहता हूँ आपके साथ मेहनत करता हूँ दोस्तों, तो आप भी मेरे साथ एक्टिव रहिए और बिल्कुल कमेंट करते रहिए दोस्तों, लाइक करते रहिए ताकि सहभागिता और एक्टिव बनी रहे, ठीक है। चलिए, अब IIC के निर्देशक और महाप्रबंधक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो UIIC यानी यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, क्या है फुल फॉर्म, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के निर्देशक और महाप्रबंधक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, जिसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी एस गोपा कुमार को। देखिए दोस्तों, सार्वजनिक क्षेत्र की गैर जीवन बीमा कंपनी यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी ने इसके निदेशक और महाप्रबंधक के रूप में तत्काल प्रभाव से एस गोपा कुमार की नियुक्ति की घोषणा की है। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि नई भूमिका लेने से पहले गोपा कुमार GIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड में प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्यरत थे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे बता दें यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के बारे में, इसका मुख्यालय दोस्तों चेन्नई तमिलनाडु में, कहाँ पे मुख्यालय, चेन्नई तमिलनाडु में, और वर्तमान इसके निदेशक और महाप्रबंधक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, एस गोपा कुमार को। वहीं बात करते दोस्तों श्री VK स्वामी की, दोस्तों श्री VK स्वामी वर्तमान में लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन यानी LIC के वर्तमान चेयरमैन कौन है, श्री VK स्वामी। दोस्तों LIC की स्थापना कब हुई थी, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा था, बैंक और रेलवे एग्जाम में। LIC की स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1956 को। वहीं दोस्तों बात करें K सनत कुमार की, तो K सनत कुमार जी दोस्तों वर्तमान में NIC के चेयरमैन है, कौन है, NIC के चेयरमैन, नेशनल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के चेयरमैन कौन है, K सनत कुमार। NIC की स्थापना कब हुई थी, 1906 में। वहीं बात करें दोस्तों LIC वैद्यन की, तो LIC वैद्यन वर्तमान में GIC यानी जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, GIC का फुल फॉर्म क्या है, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के वर्तमान चेयरमैन कौन है, LIC वैद्यन। और GIC की स्थापना दोस्तों 22 नवंबर 1972 को। दोस्तों GIC और LIC में आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, LIC GIC दोनों मिलते जुलते नाम है, लेकिन LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, इसकी स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1956 को, जबकि GIC यानी जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इंडिया की स्थापना दोस्तों हुई थी 22 नवंबर 1972 को, ठीक है। तो ये सब में आपको कन्फ्यूज नहीं होना, तो UIIC यानी यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के जो वर्तमान में निदेशक और महाप्रबंधक के रूप में नियुक्त किया गया है, नियुक्त किया गया एस गोपा कुमार को, ठीक है, यानी ऑप्शन सी राइट है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरुष हॉकी टीम FIH रैंकिंग में चार्ट में कौन से स्थान पर पहुंच गई है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी 5वें नंबर पर, ठीक है। देखिए दोस्तों, भारतीय पुरुष हॉकी टीम लेटेस्ट FIH रैंकिंग चार्ट में 5वें स्थान पर पहुँच गई है, और भारत एकमात्र ऐसी टीम है जिसने शीर्ष 10 टीमों में अपने रैंक में बढ़ोतरी दर्ज की है। इसके अलावा आपको बता दें दोस्तों, भारतीय टीम जिसके अभी अपने किटी में 1484 अंक हैं, 2012 ओलंपिक चैंपियंस जर्मनी, इंग्लैंड और स्पेन से अधिक है। इसके अलावा दोस्तों, विश्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया ने 1906 अंकों के साथ अपना शीर्ष स्थान बनाया है। शीर्ष पर कौन है, ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम FIH रैंकिंग चार्ट में कौन से स्थान पर पहुँच गई है, तो पहुँच गई दोस्तों 5वें नंबर पर, यानी ऑप्शन डी राइट है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, NHAI ने 25,000 करोड़ रुपए के दीर्घकालिक असुरक्षित ऋण के लिए किस बैंक के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। देखिए दोस्तों, NHAI ने 25,000 करोड़ रुपए के दीर्घकालिक असुरक्षित ऋण के लिए SBI बैंक के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। तो NHAI क्या है दोस्तों, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या है NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और दोस्तों यहाँ पे SBI के बारे में आपको कई बार बता चुका हूँ, SBI की स्थापना हुई थी दोस्तों 1 जुलाई 1955 को, यानी इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जुलाई 1955 को। इसका मुख्यालय मुंबई, वर्तमान चेयरमैन कौन है, रजनीश कुमार। एक्सिस बैंक, ICICI बैंक और देना बैंक के बारे में मैं कई बार रिपीट कर चुका हूँ, आज आपको कमेंट बॉक्स में जो है तो इसके बारे में लिखना है, यदि आपको पता है तो लिखिएगा, ज़रूर लिखिएगा, मैं कई बार बता चुका हूँ, जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट हैं उनको ये पता होगा, तो लिखिएगा, ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, उत्तर भारत की सफ़ेद सीमेंट को जरूरत को पूरा करने के लिए खनन पट्टे को मंजूरी के लिए FMGIL को किस राज्य सरकार से जो तो आशय पत्र प्राप्त हुआ है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, यानी ऑप्शन डी राइट है। देखिए दोस्तों, उत्तर भारत की सफ़ेद सीमेंट की जरूरत को पूरा करने के लिए खनन पट्टे को मंजूरी के लिए FAGMIL को हिमाचल प्रदेश सरकार से आशय पत्र प्राप्त हुआ है, ठीक है, यानी ऑप्शन डी राइट है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, युवा और खेल मामलों के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जो है कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर ने महिला पर्वतारोही दल को किस पर्वत के लिए झंडी दिखाकर रवाना किया है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा माउंट मनीरंग, यानी ऑप्शन बी राइट है। देखिए दोस्तों, सूचना और प्रसारण तथा युवा खेल मंत्रालय के स्वतंत्र प्रभार जो है राज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर ने महिला पर्वतारोही दल को
हिमाचल प्रदेश के माउंट मनीरंग से अभियान पर झंडी दिखाकर रवाना किया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में भारत के किस स्थान पर लोकतंत्र का त्यौहार कार्यक्रम को उद्घाटन किया है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी तिरुवनंतपुरम से। देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तिरुवनंतपुरम में केरल में विधानसभा की हीरक जयंती समारोह के समापन आयोजन के रूप में लोकतंत्र का त्यौहार कार्यक्रम का उद्घाटन किया है, यानी ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय इंजीनियर श्रीनिवास कुचभिरतोला की हत्या के आरोप में किस देश ने आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका कंसास, यानी ऑप्शन सी राइट। देखिए दोस्तों, भारतीय इंजीनियर श्रीनिवास कुचभिरतोला की हत्या के आरोप में अमेरिका स्थित कंसास में अदालत ने आरोपों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। ठीक है, आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। अगले, तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एम करुणानिधि का निधन हो गया है, वह किस आंदोलन के प्रमुख नेता माने जाते थे? राइट आंसर है ऑप्शन है द्रविड़ आंदोलन का। तमिलनाडु के पूर्व सीएम जो थे दोस्तों एम करुणानिधि का 7 अगस्त 2018 को चेन्नई के अस्पताल में निधन हो गया है, वह 94 वर्ष के थे, द्रविड़ आंदोलन के प्रमुख नेता थे, यानी ऑप्शन ई राइट है। तो निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री को हाल ही में RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के केंद्रीय बोर्ड में शामिल किया गया है? राइट आंसर दोस्तों एस गुरुमूर्ति। देखिए दोस्तों, RBI ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अर्थशास्त्री स्वामीनाथन गुरुमूर्ति को बोर्ड में शामिल किया है। ठीक है, आप देख ले दोस्तों कल का आंसर। कल मैंने क्वेश्चन पूछा था महिला हॉकी विश्व कप 2018 रिकॉर्ड 8वीं बार किस टीम ने जीता था, तो जीता है तो इसका राइट आंसर है दोस्तों नीदरलैंड, यानी ऑप्शन डी राइट था। लगभग 99% स्टूडेंट ने राइट आंसर दिया था, क्योंकि आप लोग रेगुलर वीडियोज़ देखते हैं। अब देख लेते हैं दोस्तों आज का सवाल, आज का क्वेश्चन है विश्व का पहला थर्मल बैटरी प्लांट कहाँ स्थापित होगा? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ऑप्शन आपके सामने दे रखे। यदि आपको आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं सभी की कमेंट रीड करता हूँ। प्लीज़ सभी लोग कमेंट करेंगे, और वीडियो कैसा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें दोस्तों। साथ ही साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने फेसबुक में, व्हाट्सएप ग्रुप में दोस्तों के साथ, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।